मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चंबा दौरे को लेकर वीरवार को चंबा भाजपा की एक बैठक चंबा में हुई, जिसकी अध्यक्षता सदर विधायक पवन नैयर ने की। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पवन नैयर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 8 अक्टूबर का जो दौरा है उसमें एक जनजातीय मोर्चा का सम्मेलन है, उसमें मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इसके अलावा महिला सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाग लेंगे। ऐसा कि परसों माननीय मुख्यमंत्री जी और सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी का चंबा का दौरा है, इस संदर्भ में आज हमने ब्लॉक की मीटिंग और जिले की मीटिंग बुलाई थी यहाँ पर, और उसको मैं पूरी चर्चा की, क्योंकि सुबह परसों ठीक 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री चंबा पहुँच रहे हैं। उसके बाद वो बॉयज़ स्कूल में जो है एक साइंस म्यूज़ियम जो है खोला गया है, जिसका उद्घाटन सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र जी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ रहेंगे। और ये चंबा के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि पूरे चंबा के लिए सिर्फ चंबा बॉयज़ स्कूल को चुना गया, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कल हमने इसी ग्राउंड में जो है महिला की भी जो मीटिंग रखी हुई है, इसमें हमने और उसमें हमारी स्टेट की प्रेसिडेंट भी जो है कल पहुंच रही हैं, परसों यहाँ पर जो है महिला सम्मेलन होने जा रहा है इसमें, और एसटी का सम्मेलन भी जो परसों यहीं पर होने जा रहा है। तो इस संदर्भ में हमने ये चर्चा की, और परसों हमें पूरी उम्मीद है कि भारी तादाद में लोग जो यहाँ पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनेंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री लील का दौरा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ये फैसला किए थे कि ठाठ विधानसभा क्षेत्र में भी जाऊँगा, तो 67 विधानसभा क्षेत्र में तो वो चले गए, एक भरमौर बचा है, तो उनका प्रोग्राम लील में भी जो है उनका प्रोग्राम। इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री कोई अनाउंसमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि थोड़े दिन रह गए, 5-7 दिन के बाद जो है ये अनाउंसमेंट हो जानी है। अनाउंसमेंट जब अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री करते भी हैं तो फाइनेंस में जाएगी, इसकी पूरी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद कैबिनेट में जाएगी, उसके बाद ये जो अनाउंसमेंटें पूरी होती हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि इस बार कोई माननीय मुख्यमंत्री यहाँ को अनाउंसमेंट करेंगे। मैं हर्ष महाजन जी का भी, जिन्होंने की भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से। और आपने देखा कि हिमाचल ही नहीं, बाकी जगह भी सारे छोड़ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद आपके सामने इन्होंने कपिल सिंबल ने छोड़ी हुई है, तो और भी कई बड़े लीडर छोड़ने जा रहे हैं। इसमें के हिमाचल में भी आपने देखा नहीं कि जो दो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उनसे दो ने रिज़ाइन कर दिया, तो ये तो कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है भारत भर। दो स्टेटें इनके पास टोटल रह गई हैं, उसमें से भी राजस्थान में इनका बड़ा बुरा हाल है, वो भी मेरे को लगता है गिरने जा रही है। हिमाचल में सर्वे भी आपने देखा, 50 से ऊपर सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, और अगर यही हाल रहा तो मेरे को लगता है इनको 5-6 सीटें से ऊपर मिलेंगी इनको। नहीं, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ये बड़ा मजबूत है, ये संगठन सारे जो हैं पूरे सोच समझ के कार्य करते हैं। आपने देखा कि सरकार और संगठन में कितना तालमेल है, पिछली बार कांग्रेस थी तो सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह के साथ, क्या आपने देखा रोज़ पेपर में निकलता था, ये आपने कभी सुना आपने कि संगठन के साथ कभी हमारे मुख्यमंत्री जी की कोई अनबन हुई है? ये दोनों जो संगठन और सरकार जो है ये दोनों मिलजुल के काम कर रही है सारे, ये भारतीय मैंने पहली बार देखा ये, और कोई इसमें देखो क्योंकि जो फैसले लेते हैं वो हमारे संगठन लेते हैं, और संगठन हमारा हिमाचल में पूरा मजबूत है, जो संगठन फैसला लेगा वही सब सबको मान्य होगा। ऐसा ना, हर एक कार्यकर्ता का अपना अपना काम होता है, जो पुराने कार्यकर्ता का काम हो वो भी होगा, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं जब इलेक्शन के पहले, तो उनका भी ये तो ऊपर संगठन वाले देख रहे हैं, माने मुख्यमंत्री देख रहे हैं, तो जो जिन्होंने अगर भाजपा ज्वाइन कर ली तो सबके बराबर काम होंगे सबके, इसमें तो यानी कोई उन्होंने ज्वाइन की हुई है, परंतु ये नहीं होगा कि पुराने कार्यकर्ताओं को हम इग्नोर करेंगे, उनको पूरा उतना ही इज्जत मान मिलेगा।